ये है एक 4G वाईफाई राउटर। अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है तब आपको इसका ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर पे इंटरनेट नहीं है और आपके घर को वाईफाई एनेबल्ड बनाना है तब आपको ज़रूरत पड़ेगा एक 4G वाईफाई राउटर का, जो ये रहा। और ये एक प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट है, आपको सिर्फ इसके अंदर कोई सा भी एक सिम कार्ड डालना है और उसके बाद इसको पावर देते ही इसमें से वाईफाई निकलता है और उस वाईफाई को आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका घर वाईफाई एनेबल्ड बन जाएगा। और ये उन जगहों पे काम आता है जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं मिलता है। साथ ही ये वाईफाई राउटर काम आता है इस तरह के वाईफाई कैमरास कनेक्ट करने के लिए। ये एक इंडोर कैमरा है और ये जो राउटर है ये भी एक इंडोर राउटर है। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं इसके बॉक्स पैकेजिंग को, मतलब इसके साथ क्या क्या मिलता है और इसको कैसे यूज किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो ये वाला हो गया 4G वाईफाई राउटर का बॉक्स। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये वाला हो गया वाईफाई राउटर 4G वाला। उसके बाद और एक बॉक्स मिला है, इसमें एक्सेसरीज है। तो इसके अंदर है इसका पावर अडाप्टर और एक लैन केबल है। तो आप इसको लैन केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे ये वाला हो गया लैन पोर्ट, यहाँ पे आप ये वाला लैन केबल लगा सकते हैं। और इस लैन के दूसरे साइड को आप अपने NVR, DVR नहीं तो वाईफाई कैमरास पे भी लगा सकते हैं। लेकिन जो कि ये एक वाईफाई राउटर है इसीलिए इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें 3 एंटेना आपको मिलेगा, मतलब इसमें से जो वाईफाई एमिट होगा उसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये वाला हो गया 4G वाईफाई राउटर का सामने का हिस्सा, यहाँ पे देखिए 4G लिखा हुआ है। उसके बाद साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हो गया सिम कार्ड स्लॉट। तो यहाँ पे आप कोई सा भी सिम कार्ड डाल सकते हैं और इसको पावर देते ही ये ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद पीछे देखते हैं, ये वाला हो गया पावर इनपुट, ये वाला लैन इनपुट। उसके बाद नीचे ये वाला हो गया इसका बेस या स्टैंड, इससे आप इसको ऐसे रख सकते हैं। और ये वाला जो 4G वाईफाई राउटर है इसका दाम है 3349 रुपीज़। लेकिन आपको अमेजन पे और भी अलग अलग वाईफाई राउटर्स मिल जाएंगे कम दाम पे। जैसे कि आपको कॉफ़ी का 4G वाईफाई राउटर मिलेगा 2649 रुपीज़ पे। लेकिन एक 4G वाईफाई डोंगल भी होता है जिसका दाम कम होता है, इसमें भी आप कोई सा भी सिम कार्ड लगा सकते हैं और अपने घर को वाईफाई एनेबल्ड बना सकते हैं। और इसका दाम बहुत ही कम है, ये आपको मिल जाएगा 1489 रुपीज़ पे। तो अगर आपको ये लेना है इसको भी खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसमें एक सिम कार्ड डालते हैं और इसमें देते हैं पावर। तो मेरे पास है एक एयरटेल का 4G प्रीपेड सिम, तो चलिए अभी इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये देखिए ये चला गया सिम कार्ड अंदर पे और ये लॉक हो गया है। तो मैंने पावर दे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट जल रहा है और राउटर पे भी यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो अभी इसमें से वाईफाई एमिट हो रहा है, तो अभी इसको कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन पे। तो ये हो गया मेरा स्मार्टफोन, तो यहाँ पे मुझे अभी वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा। तो अभी इस 4G वाईफाई राउटर का वाईफाई यहाँ पे शो कर रहा है, MIFI ये वाला इसका वाईफाई है। अभी इसमें पासवर्ड को डालना पड़ेगा जो इसके पीछे लिखा हुआ है। तो मैंने डाल दिया है, अभी करेंगे कनेक्ट। तो देखिए कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अभी ये काम कर रहा है कि नहीं। चलिए YouTube पे चलते हैं। तो देखिए YouTube ठीक से चल रहा है। तो चलिए एक वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो देखिए वीडियो प्ले हो रहा है ठीक से, वीडियो क्वालिटी 1080p और उसमें ये प्ले हो रहा है ठीक से। तो चलिए अभी करते हैं स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई कनेक्ट है, मेरा डाटा कनेक्शन ऑन नहीं है। और ये वाला हो गया स्पीड टेस्ट बाय उकला और यहाँ पे एयरटेल शो कर रहा है क्योंकि इसमें मैंने एयरटेल सिम डाला है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड कम मिला है क्योंकि मेरे एरिया पे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है और अभी फिलहाल मैं घर के अंदर हूँ। अगर इस 4G वाईफाई राउटर को मैं खिड़की के पास रखता हूँ तब थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। तो मैं इसको अभी खिड़की के पास रख देता हूँ, उसके बाद फिर से टेस्ट करेंगे। तो देखिए अभी मुझे मिला है 3.32 Mbps डाउनलोड स्पीड और जो अपलोड स्पीड मिला है वो मिला है 2.71 Mbps। तो अगर आपको इस 4G वाईफाई राउटर से अच्छा स्पीड चाहिए तब आपको इसको ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पे ठीक से नेटवर्क मिले। तो अभी मैंने सिम को यहाँ से निकाल के मोबाइल पे डाल दिया है और इसका डाटा कनेक्शन भी ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इस पर स्पीड कितना आएगा। तो चलिए मोबाइल पे मुझे मिला 3.87 Mbps डाउनलोड स्पीड घर के अंदर और अपलोड स्पीड मिला है सिर्फ 0.30।
तो ऐसा नहीं है कि सिम को मोबाइल से निकल के इस 4G राउटर पे डाल देने से स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको स्पीड सेम मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिम कार्ड डालने से आपको अनलिमिटेड नेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप मोबाइल पे जितना रिसर्च करते हैं सिम को यहाँ पे डालने के बाद भी आपको सेम ही रिसर्च करना पड़ेगा। मोबाइल का जो हॉटस्पॉट होता है वही काम करता है ये वाला, लेकिन उसके लिए आपको एक मोबाइल अलग से ऑन रखने का जरूरत नहीं है, इसको ही आप एज ए मोबाइल हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं और इससे आप कई सारे डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो 4G वाईफाई डोंगल है इससे भी स्पीड आपको सेम मिलेगा, इन दोनों का स्पीड सेम है, मोबाइल जैसा ही है। लेकिन अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए तब आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लेना पड़ेगा, तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ये लेना है कि नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह का यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।